लक्सर से हरिद्वार की रेल लाइनों के दोहरीकरण के कार्य के बीच में हरिद्वार से कई प्रमुख गाड़ियों का संचालन रद्द कर दिया गया है। इसके बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि देहरादून लक्सर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की लगभग 70% गाड़ियां 22 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। इस रूट की लक्सर से हरिद्वार के बीच की लगभग और देहरादून की 70-60% गाड़ियां कैंसिल की गई हैं। कुंभ मेले के पहले लक्सर से हरिद्वार तक डबल लाइन का काम होना है, इस उद्देश्य से तो काम मेन ये होने हैं। अभी पहले ये जो अभी 22 तक गाड़ियां कैंसिल की गई हैं 13 से 22 तक, और मेनली सारी गाड़ियां कैंसिल होंगी 17 से। तो इसमें मेन आपके लक्सर के बाद के एथल, पथरी और एक्कड़, ये तीन स्टेशन तक डबल लाइन होने हैं। मुख्यतः मैंने आपको जैसा बताया 70-80% गाड़ियां कैंसिल रहेंगी, जिसमें सभी गाड़ियां हैं, जैसे दून एक्सप्रेस हो गई, 4114 हो गई, नैनी शताब्दी हो गई, योगा हो गई, बीकानेर हो गई, अजमेर हो गई, ये सब गाड़ियां और इसी तरह की जितनी गाड़ियां सभी कैंसिल रहेंगी। यात्रियों के लिए तो बस व्यवस्था यही है कि 20 से जहां से टर्मिनेट की गई गाड़ियों को, कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, वहां तक वो जैसे अपने साधन से जा सकते हैं जा सकते हैं, उसके बाद वहां से उन्हें सेम बर्थ और सेम उस पे जो है आगे की वो यात्रा कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्री इससे काफी नाराज हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए यात्रियों का कहना है कि उन्होंने काफी समय पहले ही रिजर्वेशन करा रखा था, लेकिन अचानक से गाड़ियां रद्द हो गई हैं। 14 तारीख का ट्रेन है जाने का, लेकिन यहां कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि ट्रेन रद्द है कि नहीं है, कौन तारीख को जाएंगे। यही यहाँ आपका गाड़ी का दे दिया डाउन गाड़ी, यहाँ से जो छूटेगा उसका कोई अता पता ही नहीं है क्या, वो तो बोल देना चाहिए ना, लिस्ट और टांग देना चाहिए, तब ना आदमी जानेगा। यही दिक्कत है, ऐसी तो अभी हम लोग के रुके हैं, हम लोग का अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कल गाड़ी कब छूटेगी नहीं छूटेगी ये तो पता नहीं चल रहा। मैंने दिल्ली हमको जाना है, दिक्कत हो रहा है सारा, गाड़ी रद्द है, क्या करेगा आदमी। मैंने बैठ करके यहाँ पर मर रहा है भूख से प्यास से, गरीब आदमी सब है, सब आया है गंगा स्नान करने के लिए, उसके बाद घर जाता, नहीं हो रहा है, सारी गाड़ी रद्द है, बहुत भारी दिक्कत आ रहा है। नहीं, ये तो अभी सूचना लगाया है जो सारी गाड़ी रद्द है दिल्ली का। देहरादून रेल मार्ग का दोहरीकरण कार्य तो शुरू हो गया है, लेकिन हरिद्वार से कई गाड़ियां रद्द हो जाने से यात्री परेशान हैं। आने वाले कुछ दिनों तक यात्रियों को इन्हीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि बताया जा रहा है दोहरीकरण का ये काम 13 से 22 अक्टूबर तक चलेगा। न्यूज़ डेस्क।